आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ना स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम कैसे आती है। देखिए, हमारे मोबाइल फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, वो लगभग फुल हो जाता है या फिर बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने फालतू के ऐप है ना, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूं। गैलरी में देखिए, सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर टैप करनी है, आपका ये पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है। तो बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहां पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहां चालू रहती है तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन दिखाई देगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे टैप करके ना बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक काम ये भी करना है, आपके फोन की जो गैलरी है ना, फोन की गैलरी में आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट करनी है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस, अगर मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा और रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे फैक्ट्री डेटा और रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे ना, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जो भी बाकी का बचा हुआ डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।